ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। सीरत रसूलल्लाह में दिया को सफिया के बदले दो गुलाम लौंडी दी गईं, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस के हिसाब से उसको सात गुलाम मिले। ऐसा क्या हुआ कि दो गुलामों से बात सात गुलामों तक पहुंच गई? जरूर ही दिया और मोहम्मद के बीच में जोरदार मोल भाव हुआ होगा। रसूलल्लाह, ये कतई ठीक नहीं है। आपने साफिया मुझे दी थी। मैंने इरादा बदल लिया। मैं उसके बदले तुम्हें साफिया की रिश्ते की दो छोटी बहनें देता हूँ। तुम्हें वो अच्छी लगेंगी। वो दोनों ही सुंदर और पाक हैं। आज की रात तुम जबरदस्त मौज कर सकते हो। रसूल अल्लाह, मुझे इन लड़कियों से कोई मजा नहीं आएगा। आप उन्हें अपने ही पास रखो। बस मुझे केवल साफिया वापस कर दो। दिया, बहस मत कर। मैं इस सौदे को और फायदेमंद बनाते हुए ये जवान बच्चे भी तुम्हें देता हूँ। तुम आज की रात इन पांचों के साथ जबरदस्त मौज मस्ती कर सकते हो। मुझे ये भी पसंद नहीं है। मेहरबानी करके मुझे मेरी साफिया लौटा दो। कैसा रहेगा कि दो औरतें और दे दूं? बस ये सात गुलाम ले लो, कुल मिलाकर सात, ठीक है? रसूल अल्लाह, पिछले जिहाद से मेरे पास काफी गुलाम हैं। मुझे बस साफिया ही चाहिए। ए अड़ियल खच्चर दिया, इसके पहले कि मेरा इरादा बदले और मैं तेरा नीचे का औजार ही कटवा दूं, जो दे रहा हूं वो चुप करके ले ले। दिया को मालूम था कि जो पैगंबर ने बोला है उसे वो कर सकता है। उसने सातों गुलामों को ले लिया और जल्दी से निकल गया। पैगंबर मोहम्मद सफिया को लेकर जल्दी से अपने टेंट की ओर भागे। जब मोहम्मद ने सफिया की ओर सोहबत के लिए कदम बढ़ाए तो सफिया ने विरोध किया। वो अपने को उस आदमी को कैसे सौंप सकती थी जिसने कि अभी कुछ घंटे पहले ही उसके घर वालों का कत्ल किया हो। तुम्हारा मसला क्या है साफिया? मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं और उनकी औरतों से मुंह काला करते हैं। तुम क्या बात कर रही हो? ये हम नहीं थे, बल्कि अल्लाह था जिसने हमारे हाथों से उनका कत्ल किया। उसकी आयत ये है, कुरान सूरह अल अनफाल आयत 17, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ही ने उन्हें कत्ल किया। इसके अलावा काफिर कभी भी बेगुनाह नहीं होते हैं। उन्हें कत्ल करना जायज है। जब हम उन्हें कत्ल कर देते हैं तो हमें उनकी बीबियों और बेटियों से सोहबत करना हलाल है। ये कुरान सूरह अन-निसा आयत 3 और 24, सूरह अल मोमिनून आयत 6, सूरह अल अहजाब आयत 50, सूरह अल मारिज आयत 30 के मुताबिक है। इसलिए बेवकूफी बंद करो और मुझे सोहबत करने दो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। तुम मुझे रोकोगी तो मैं तुम्हें वापस दिया को दे दूंगा और कोई दूसरी लड़की ले आऊंगा। सफिया ने महसूस किया कि विरोध करना बेकार है। उस समय पैगंबर मोहम्मद 59 साल के थे जबकि सफिया केवल 17 साल की थी। कैसे भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती तो होनी ही है, वो या तो मोहम्मद करे या फिर कोई दूसरा मुसलमान। कम से कम मोहम्मद के पास माल गनीमत के 20% हिस्से से गुलाम लौंडियों की लगातार मौजूदगी है और बहुत सी रिहायशी बीबियां हैं। मेरे साथ सोहबत की जबरदस्ती कम होगी। एक आम मुसलमान के हाथों मेरे साथ दिन रात जबरदस्ती की जाएगी और तब मुझे गुलामों के बाजार में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाएगा। जब मोहम्मद सफिया के साथ सोया हुआ था तब उसने अपने टेंट के पास कुछ हरकत की आवाज को सुना। ये पता लगाने के लिए वो कौन है उसने बाहर आने का फैसला किया। कौन है वहाँ? या रसूल अल्लाह, ये मैं हूँ, अबू अयूब। तुम मेरे टेंट के चारों ओर क्या कर रहे हो? मैं इस जवां औरत के आपके साथ होने की वजह से डरा हुआ था। आपने इसके बाप, इसके शौहर और बहुत से कई रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया है और कुछ समय पहले तक यह काफिर थी। मैं इसकी वजह से आपके लिए वाकई खौफजदा था और आपकी रखवाली कर रहा था। ओह, बेहतर। ये हिस्ट्री ऑफ अल तबरी वॉल्यूम 39 पेज 185 से है। अबू हुरैरा ने फरमाया, जबकि पैगंबर सफिया के साथ सोया हुआ था
अबू अय्यूब उसके दरवाजे पर पूरी रात पहरा देता रहा। जब उसने सुबह मोहम्मद को देखा तो उसने कहा, अल्लाहु अकबर। उसके हाथ में तलवार थी। उसने पैगंबर से फरमाया, ए खुदा के रसूल, इस औरत की शादी अभी अभी हुई थी और आपने उसके बाप, उसके भाई और उसके शोहर को कत्ल कर दिया, इसलिए मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। पैगंबर हंसे और फरमाया, बहुत अच्छे। इस ईमानदारी भरी जानकारी से ये पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद और उसके पैरोकारों को दिन में लोगों को कत्ल करने और रात में उनकी औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार करने में किसी तरह का कोई मसला नहीं था। ठीक है, हाँ, जब तक वे चीजें मेरे और मेरे खानदान के साथ नहीं होती तब भी उसे ता कयामत तक पूरी इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन नमूना होने का दावा किया जाता है। कुरान सूरह अल अहजाब आयत 21, बेशक अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है जो कि अल्लाह और कयामत में यकीन रखता हो और अल्लाह को अक्सर याद करता हो। इसीलिए इस्लाम में अच्छा क्या है और बुरा क्या है का बेहतरीन नमूना यूनिवर्सल वैल्यूज पर डिपेंड ना होकर मोहम्मद की पसंद और नापसंद पर डिपेंड करता है। जैसे कि यूनिवर्सल वैल्यूज के मुताबिक बलात्कार, हत्या, लूटमार सरासर गलत हैं, मगर मोहम्मद के लिए वो हमेशा गलत नहीं है। मुझे लोगों से तब तक जंग करने का हुक्म हुआ है जब तक कि वो यह कबूल न कर लें, अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत का हक नहीं है। अगर वो ऐसा कहते हैं, हमारे किबला की ओर मुंह कर, हमारी इबादतों की तरह इबादत करते हैं और उसी तरह कत्लोआम करते हैं जैसे हम कत्लेआम करते हैं, तब उनका खून और उनकी दौलत हमारे लिए मुकद्दस होगी और हम उनमें दखल नहीं देंगे सिवाय शरी तौर पर, जिसका हिसाब अल्लाह के पास होगा। बुखारी के मुताबिक मोहम्मद ने सफिया के साथ 3 दिन तक मौज मस्ती की। उसे वो बेहद पसंद आई और तब उसने उससे निकाह करने का फैसला किया। अनस बिन मलिक ने बयान किया, पैगंबर खैबर के रास्ते में 3 दिन तक सफिया बिनते हुआई के साथ रुके, जहां की उसने उसके साथ सोहबत और फिर निकाह किया। सफिया उनमें से थी जिन्हें की पर्दा करने का हुक्म दिया गया। पर्दा करने का मतलब यह था कि सफिया मोहम्मद की बीवी बन गई थी और अब वो कोई गुलाम लौंडी या रखेल नहीं थी। शरिया के मुताबिक गुलाम लौंडियों को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, मगर पैगंबर मोहम्मद इतने गए गुजरे थे कि उन्होंने सफिया को मेहर या दहेज ना देने का फैसला किया। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 हदीस 367, ताबित ने अनस से पूछा, ओ अबू हमजा, पैगंबर ने उसे क्या मेहर या दहेज अदा किया? उसने फरमाया, वो खुद ही उसकी मेहर थी, क्योंकि उन्होंने उसे आजाद किया और फिर उससे शादी की। मुझे साफिया को उसका मेहर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह होता कि उसको आजाद करने के बदले में मैं खुद को ही अदा करता। साफिया के साथ मेरी रहमत के लिए अल्लाह मुझे 2 इनामात देगा, पहला साफिया को आजाद करने के लिए, दूसरा उससे शादी करने के लिए। वो बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसे मेरे जैसा हमदर्द और बेहतरीन शख्स मिला। सही मुस्लिम किताब 8 नंबर 3327, अबू मूसा ने खबर दी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी एक गुलाम औरत को रिहा करके उससे शादी करता है उसके लिए 2 इनामात हैं। क्या उसे संजीदगी से यकीन था कि खुदा उसे 2-2 खुदाई इनाम देगा? किस लिए? पहला, मुझे आजाद करने के लिए, जिसे कि किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही गुलाम बनाया है। दूसरा, इसलिए कि उसने मुझसे शादी की जो कि उम्र में उससे 40 साल छोटी सबसे सुंदर लड़की है। पैगंबर मोहम्मद का इरादा खैबर के यहूदियों को अपनी ताकत के बलबूते देश से निकाला देने का था, लेकिन यहूदियों ने बातचीत करके मोहम्मद को इस बात पर राजी कर लिया कि वो उस जमीन पर खेती करेंगे और इसकी कमाई का आधा हिस्सा पैगंबर को भी देंगे। खैबर के लोगों ने अपनी जमीन का मालिकाना हक खो दिया। अब उन्हें उसी जमीन पर रहने के लिए मुझे जजिया अदा करना होगा जो कि अब मेरे कब्जे में है। शरिया कानून के तहत जजिया गैर मुस्लिमों की तरफ से दिया जाने वाला पैसा है ताकि वे मुस्लिम इलाकों में अपने मजहब का पालन कर सकें। अगर पैसा अदा नहीं किया जाता है तो लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा या गुलाम बना लिया जाएगा। इस्लाम में काफिरों को मुफ्त में बर्दाश्त नहीं किया जाता, समझे क्या? सालों तक जजिया अदा करने के बाद आखिरकार खैबर के यहूदियों को उमर द्वारा भगा दिया गया जब वो दूसरा खलीफा बना।
इस कहानी का अहमद वॉल्यूम 6 पेज 337 में मोहम्मद फतेह ने हवाला दिया है। एक बार पैगंबर मोहम्मद हज के लिए गए। वो अपनी बीवियों में से दो बीवियों ज़ैनब बिनत जैश और सफिया बिनत हुवाई को भी साथ ले गए। रास्ते में मेरे ऊंट ने घुटने टेक दिए क्योंकि सभी ऊँटों में वो सबसे कमजोर ऊँट था। इस वजह से मैं रोने लगी। पैगंबर मेरे पास आए। ओह साफिया, प्लीज मत रो, मैं ज़ैनब से मदद के लिए बात करता हूँ। पैगंबर ज़ैनब से मिलने गए। साफिया का ऊँट बीमार हो गया है, क्या तुम अपना एक ऊँट उसे दे सकती हो? क्या, कतई नहीं, मैं ऐसी यहूदी औरत को कभी कुछ नहीं दूंगी। पैगंबर उससे गुस्सा हो गए और उन्होंने उससे 2 महीने तक कोई बात नहीं की। मत रो साफिया, मैं तुम्हें दूसरा ऊँट देता हूँ। पैगंबर मेरे पास आए और उन्होंने अपने हाथों और कपड़ों से मेरे आंसू पोंछे। वो जितना ज्यादा मुझे न रोने के लिए कहते थे, मुझे और ज्यादा रोना आता था। सफिया को बंदी बना लिया गया था और उसे उन्हीं लोगों के बीच रहना पड़ा जिन्होंने उसके सगे रिश्तेदारों का कत्ल किया था। उसके पास जहाँ ना कोई जाने के लिए बचा था और ना ही ढांढस बंधाने के लिए। वो अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा नापसंद की जाती थी। सिर्फ एक ही इंसान जिसने उस पर तरस खाया, वो वही था जिसने उसके बाप और भाई का कत्ल किया।